जमशेदपुर पुलिस और जमशेदपुर प्रशासन के जो अधिकारी हैं, संविधान और कानून के जो प्रावधान हैं, उनके अनुसार काम करिए, न कि कोई मंत्री है या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। एक FIR दर्ज हुआ कदमा में, मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह है उनके खिलाफ, SC ST एक्ट में दर्ज हुआ। जमानत में शर्त थी कि वे अनुसंधान में सहयोग करेंगे, पुलिस बुलाएगी, थाना जाएंगे, इसे गिरफ्तार कर लिया और इस बार एक नई धारा पोस्को एक्ट की उसमें डाल दिया। अब लगता है कि इससे पुलिस के लोग थोड़ा और अधिक नाराज हो गए। तुरंत एक दिन बाद यानी कल उन्होंने पीड़ित हैं उनका 164 में बयान करा दिया। मुन्ना सिंह के घर गए, उनका हथियार जब्त कर लिया, लाइसेंसी हथियार है। FIR करने वाले भी एक ही व्यक्ति और FIR दोनों FIR लिखने वाला भी एक ही व्यक्ति। तो ये दिखाता है कि पुलिस का जो रवैया है, ये रवैया एक ही तरह के मामले में अलग अलग है। मुन्ना सिंह की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से नहीं पटती है, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस के दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है। और दूसरा, कदमा में जो फूड प्लाजा है जिस पर बन्ना गुप्ता जी का बरसों से अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा हटाकर वहाँ एक भव्य कन्वेंशन सेंटर बनवाना, और मुझे लगता है कि विधानसभा के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी विधायक के प्रश्न का उत्तर सरकार ने विधानसभा में नहीं दिया। मंत्री जी के परिवार का एक होटल है, उसके पीछे में इन्होंने सार्वजनिक सड़क पर एक बड़ा शेड खड़ा कर लिया, एक FIR दर्ज कराया बिष्टुपुर थाना में कि किसी ने उनकी तस्वीर वायरल करा दिया है, वीडियो वायरल करा दिया जिसमें एक महिला के साथ अश्लील वार्तालाप कर रहे हैं। तो पुलिस ऐसे मामले में जिसमें मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, सुस्ती बरतती है और बाकी के मामले में चुस्ती बरतती है। मगर कोई मंत्री इतना उत्पात मचाएगा कि मुख्य सचिव के आवास पर ताला तोड़ के अपना ताला लगा देगा, तो इससे अधिक गैर कानूनी काम क्या हो सकता है। इसलिए उनसे सीधे बात करने के बदले मैंने प्रेस मीडिया का फोरम चुना, ये बात उन तक पहुंच जाए, समय बताएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है जमशेदपुर के जिला प्रशासन और जिला पुलिस के रवैया के बारे में आम लोगों को बताना, और जमशेदपुर पुलिस और जमशेदपुर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे ये आग्रह करना कि आप सभी संविधान और कानून के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार काम करिए, न कि कोई मंत्री है या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है उसकी इच्छा पूर्ति का साधन आप बनिए। तो मैंने यही आग्रह किया है कि जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को संविधान और कानून के अनुसार आचरण करना चाहिए, उनके प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण है कि पिछले 7 सितंबर को, करीब 4 दिन पहले, एक FIR दर्ज हुआ कदमा में, मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह हैं उनके खिलाफ, SC ST एक्ट में दर्ज हुआ। अब उसके तुरंत बाद, एक दिन बाद, यहाँ की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उनको PR बॉन्ड पर जमानत दे दिया, घर आ गए। जमानत में शर्त थी कि वे अनुसंधान में सहयोग करेंगे, पुलिस बुलाएगी, थाना जाएंगे। पुलिस ने अगले दिन सुबह बुलाया, थाना गए, फिर से उनको थाना में बैठा लिया, फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार एक नई धारा पोस्को एक्ट की उसमें डाल दिया और फिर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया। पहले वाले केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिन्होंने जमानत दिया था वो SC ST एक्ट का केस देखते हैं, अब इनको पोस्को एक्ट वाले मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल के सामने पेश किया गया। उन्होंने भी सब कुछ सुना, सुनने के बाद इनको रिहा कर दिया। अब लगता है कि इससे पुलिस के लोग थोड़ा और अधिक नाराज हो गए। तुरंत एक दिन बाद यानी कल उन्होंने जो पीड़ित हैं उनका 164 में बयान करा दिया। मुन्ना सिंह के घर गए, उनका हथियार जब्त कर लिया, लाइसेंसी हथियार है, जब्त भी किया और जब्ती सूची भी आज तक नहीं दिया उनको कि हमने जब्त किया है। इस बीच में अगर उस हथियार से कोई कांड हो जाएगा तो पुलिस तो पल्ला झाड़ लेगी। तो दूसरा है कि जिन लोगों ने मुन्ना सिंह के खिलाफ़ में FIR किया है उन्हीं लोगों ने इसी साल जून महीने में एक और किसी व्यक्ति के खिलाफ़ SC ST एक्ट में FIR किया, कदमा थाना में ही किया। FIR करने वाले भी एक ही व्यक्ति
और FIR दोनों FIR लिखने वाला भी एक ही व्यक्ति, दोनों की हस्तलिपि बिल्कुल मिलती जुलती है। तो जून में जो FIR दायर किया गया, उस FIR में पुलिस ने अनुसंधान एक कदम भी आज तक आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरी ओर मुन्ना सिंह का FIR दर्ज करते ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देने की बात की गई, उनका हथियार जब्त कर लिया गया। तो ये दिखाता है कि पुलिस का जो रवैया है, ये रवैया एक ही तरह के मामले में अलग अलग है। मुन्ना सिंह की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से नहीं पटती है तो उनको जेल भेज दीजिए, चुनाव आ रहा है, जेल जाएंगे, लंबा समय रहेंगे, कुछ चुनाव में नहीं कर पाएंगे तो उनको जेल भेज दीजिए। आखिर पुलिस ऐसे काम में क्यों सहायक होती है? पुलिस को तो इस पहलू की भी जांच करनी चाहिए कि दो FIR एक ही व्यक्तियों के द्वारा किया गया, एक ही धारा में किया गया, और दोनों में से कार्रवाई केवल एक पर हो रही है, दूसरे पर क्यों नहीं हो रही है? और लिखने वाला FIR दोनों मामले में एक ही व्यक्ति है, करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस के दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है कि एक समूह को खड़ा करके और SC ST एक्ट के मामले में FIR करा दीजिए। कौन इसके पीछे है, पुलिस को उसका भी अनुसंधान करना चाहिए। पुलिस ये नहीं कर रही है, बल्कि मुन्ना सिंह को जेल भेज देने पर पुलिस तारू है। इतना ही नहीं, एक पुष्पांजलि नाम का सामुदायिक भवन कदमा में बना हुआ है। शंकर रेड्डी आदि लोग हैं जो मुन्ना सिंह के करीबी हैं, ये लोग वहाँ से अपना सामाजिक काम करते हैं। चूँकि मुन्ना सिंह संबंधित है उससे, तो JNSC ने मुन्ना सिंह के उस पुष्पांजलि अपार्टमेंट में सामुदायिक भवन पर ही जाके नोटिस चिपका दिया, आप इसकी चाबी लौटाइए। इतना ही नहीं, मुन्ना सिंह का जो घर है पुराना बस्ती के भीतर बना हुआ है, उस पर नोटिस जारी कर दिया कि इस घर के पार्किंग में आप दुकान चला रहे हैं, आप हटा लीजिए नहीं तो हम तोड़ देंगे जाकर। जबकि बस्ती में किसी मकान का कोई नक्शा नहीं पारित है। तब ये लगता है कि पुलिस और प्रशासन दोनों ही मिलकर मुन्ना सिंह पर अनुचित दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना, उनको जेल भेजना, जेल नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरे तरह की कार्रवाई उनके बारे में करना, ये है। अब जब सामुदायिक भवन की बात आती है तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के घर के सामने जिला योजना के फंड से JNSC ने एक मंजिल का सामुदायिक भवन बनाया। अब उस सामुदायिक भवन पर और दो मंजिल खड़ा हो गया है। JNSC से पूछने पर कहते हैं कि हमको पता नहीं है कैसे खड़ा हो गया, तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कैसे खड़ा हो गया? तो इसी तरह से जो रवैया इनका है वो रवैया पक्षपातपूर्ण लगता है। मैं जब विधायक था जमशेदपुर पश्चिम में तो दो महत्वपूर्ण योजनाएं हमने वहाँ लागू कराया, एक DM लाइब्रेरी का जर्जर भवन तोड़कर नया भवन बनाना, और दूसरा कदमा में जो फूड प्लाजा है जिस पर बन्ना गुप्ता जी का बरसों से अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा हटाकर वहाँ एक भव्य कन्वेंशन सेंटर बनवाना। ये दोनों बिल्डिंग 2 साल पहले बन के तैयार हो गई। कन्वेंशन सेंटर की जो खिड़कियाँ बन्ना गुप्ता जी घर की ओर खुलती थी उसको उन्होंने बंद करा दिया। आज तक दोनों भवनों का उद्घाटन नहीं हुआ है, ये मरम्मत के अभाव में जर्जर हो रहे हैं, सरकारी पैसे का, सरकारी धन की क्षति हो रही है। तो इस पर प्रशासन मौन है, प्रशासन उसका उद्घाटन करा के इन दोनों भवनों का संचालित करता, मगर वो नहीं कर रहा है इनके दबाव में। इसी तरह से दो सड़कें कदमा की हैं, दो सड़कों को बंद कर दिया गया। मैंने इसके बारे में विधानसभा में सवाल उठाया और मुझे लगता है कि विधानसभा के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी विधायक के प्रश्न का उत्तर सरकार ने विधानसभा में नहीं दिया। सचिव ने कहा कि मुझे जिला से इसका उत्तर ही नहीं मिला है, मैं कहाँ से दूँ? तो इस तरह की बातें हो रही हैं, यहाँ का जिला प्रशासन, और चूँकि मंत्री इन्वॉल्व हैं इसलिए जवाब नहीं गया मेरे सवाल का, इस पर कोई नहीं पूछ रहा है। उसी तरह से मंत्री जी के परिवार का एक होटल है, उसके पीछे में इन्होंने सार्वजनिक सड़क पर एक बड़ा शेड खड़ा कर लिया है, कोई नहीं पूछ रहा है, प्रशासन के ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये शेड किसने खड़ा किया, क्यों खड़ा किया, इस पर भी कोई हम जवाब मांगे। और इसके अतिरिक्त जिला पर्यटन पदाधिकारी जो यहाँ के हैं
उन्होंने जनवरी 2022 में सिद्धौड़ा थाना में एक FIR दर्ज किया। FIR की संख्या है 15/2022। अभी ऐसा FIR है कि मैंने 4 अलग अलग मामलों में सवाल पूछा पर्यटन विभाग से, राजस्व विभाग से, विधानसभा में। सबके उत्तर में ये कहा गया कि इस मामले में सिद्धौड़ा थाना में FIR दर्ज है। अब उस FIR पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक कदम भी अनुसंधान आगे नहीं बढ़ा है। मगर विधानसभा को यही जवाब देता है जिला प्रशासन कि उसमें FIR दर्ज है। तो ये स्थिति जिला प्रशासन की यहाँ हो गई सारे है। मसले में सर, जितने आपने किया इस पर आगे क्या स्टेप है, क्या इस पर आप DCO और SSP को मैं बता रहा हूँ। मैं केवल एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि खुद मंत्री महोदय ने 2 साल पहले एक FIR दर्ज कराया बिष्णुपुर थाना में कि किसी ने उनकी तस्वीर वायरल करा दिया है, वीडियो वायरल करा दिया जिसमें एक महिला के साथ अश्लील वार्तालाप कर रहे हैं। 2 साल हो गया, उसके अनुसंधान की स्थिति क्या है? हम लोगों को पता था कि FSL रांची भेजा गया है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नतीजा क्या आया, पुलिस इसमें क्यों सुस्त है? तो पुलिस ऐसे मामले में जिसमें मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है सुस्ती बरतती है, और बाकी के मामले में चुस्ती बरतती है। मुन्ना सिंह के मामले में तो हद से आगे बढ़कर काम करती है। इसीलिए मैं सार्वजनिक रूप से प्रेस मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे थोड़ा तो संयम रखें और संविधान कानून का पालन करें। मैंने उदाहरण भी दिया है कि ये मंत्री जी जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग की फाइल पर 2 बार आदेश दिया सचिव को कि मेरे विरुद्ध में आप FIR करिए। दोनों बार सचिव ने FIR नहीं किया, मामले को कानूनी सलाह के लिए विधि विभाग में भेज दिया है। तो इससे भी तो थोड़ा इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि इसी सरकार में ऐसे भी अधिकारी हैं। अब एक अवैध बहाली उन्होंने किया राहुल कुमार का, जिसके बारे में आज अखबारों में मेरा बयान आया है। मुझे उम्मीद है कि उसमें भी इनके सचिव इनके आदेश के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो ऐसे भी अधिकारी हैं इस सरकार में, तो यहाँ के अधिकारियों को थोड़ा इधर भी तो देखना चाहिए। अब यहाँ का जो उत्पात था, ये उत्पात बढ़ के चला गया है रांची। मंत्री जी को एक छोटा आवास मिला था, जो छोटा नहीं है, मुझे जो आवास मिला है विधायक के नाते, उस आवास से थोड़ा छोटा है। इनके मन में कुंठा रहती थी। कई बार जब सेतु भी प्रेस में कहा कि विधायक होके ये बड़ा आवास में कैसे रहते हैं। अब जब मुख्य सचिव रिटायर हुए पिछले मार्च में, तो उन्होंने मुख्य सचिव के आवास में जाके ताला तोड़ के अपना ताला लगा दिया। चंपाई सोरेन साहब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आवंटित नहीं किया आवास। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, इन्होंने भी आज तक आवंटित नहीं किया है। मगर कोई मंत्री इतना उत्पात मचाएगा कि मुख्य सचिव के आवास पर ताला तोड़ के अपना ताला लगा देगा, तो इससे अधिक गैर कानूनी काम क्या हो सकता है? मगर जो स्थिति है जमशेदपुर में, इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो इससे मानवाधिकार प्रभावित होगा। जो व्यवसायियों में आज दहशत है, डर की भकाभकी भावना है, वह डर की भावना बाकी लोगों में भी जाएगी। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। आपने सवाल किया कि मैंने उपायुक्त या SSP से बात किया कि नहीं बात किया, तो मुझे लगता है कि जब ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई अनजाने में नहीं काम कर रहे हैं, कोई सोया रहता है उसको जगाया जा सकता है, मगर जो जगा हुआ है सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उनसे सीधे बात करने के बदले मैंने प्रेस मीडिया का फोरम चुना, ये बात उन तक पहुंच जाए। समय बताएगा कि वे अपने आचरण में सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।